चोच में फंसी प्लास्टिक रैक, 6 दिन तक खाने को तड़पता रहा पक्षी। लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद बची जान। हुमायूं की 7 जून को एक फोटोग्राफर बसई वेटलैंड में फोटो लेने में जुटे थे। अचानक उनकी नजर ब्लैक नेक स्टॉर्क की चोंच पर फंसी प्लास्टिक की रिंग पर पड़ी। इसके बाद पक्षी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। ड्रोन, नेट, ट्रैप से पकड़ने की कोशिशें तेज हुई। 7 जून को पक्षी को नजफगढ़ झील में देखा गया। रेस्क्यू टीमें बसई और नजफगढ़ दोनों ही जगहों पर नजरें रखी हुई थी और आखिरकार इस पक्षी को नजफगढ़ के गांव खंडेली माजरा से पकड़ा गया। भूख से बेहाल ये पक्षी उड़ना तो दूर, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वेटनरी डॉक्टरों की टीम ने उसकी चोंच से प्लास्टिक रिंग निकाली। उसमें काफी गंदगी जमा हो गई थी। चोंच साफ करने के बाद पक्षी को वेटलैंड का ही पानी पिलाया गया। ये पक्षी सिर्फ जिंदा मछलियां ही खाता है, इसलिए इसे खाने के लिए टब में छोटी मछलियां दी गई हैं। पक्षी को बुधवार तक जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ये रिंग दरअसल गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले रबड़ थी, जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे वेस्ट को वेटलैंड के आसपास डंप किया जाता है। प्लास्टिक किस तरह इंसानी जिंदगी के साथ ही पशु पक्षियों की जिंदगी के लिए संकट बन चुका है, ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क की आपबीती यह बयां करने के लिए काफी है। भारत की अगुवाई में 5 जून को पूरे विश्व ने शपथ ली थी कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद कर देगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस दुर्लभ प्रजाति के पक्षी के साथ हुई घटना पूरे समाज में संदेश देगी कि प्लास्टिक जानलेवा भी हो सकता है। प्लास्टिक को ना कहें, जिंदगी को हाँ कहें। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, DD न्यूज़।